अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद हसन आपके साथ एहसास ज़िम्मेदारी पेश के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया है, तो आज हमारे दरमियान शहरयार अमीन साहब मौजूद हैं। पेशे के अतबार से ये फ्रीलांस टीचर हैं, टीचिंग करते हैं। इनका बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है, मगर कुछ हालात तो वाक़ात ऐसे रहे कि उसके बाद इन्होंने अपना वो जो प्रोफेशन था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो छोड़ के टीचिंग लाइन में आए। और आज हम इनसे इनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, क्या क्या मुश्किलात रही कि उन्होंने इस एजुकेशन को छोड़ के दूसरे फील्ड में गए और वहाँ पर अपना कामयाब हुए हैं। शहरयार साहब, आप अपने बारे में बताइएगा और सिलसिला शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बुलाने का। यहाँ पर जैसा आपने बताया, मेरी डिग्री जो है, डिग्री जिसको मैं कहता हूँ, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। उसके बाद जब बैचलर ख़त्म हो गया, पीछे से आप बताएंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई और क्या क्या मुश्किलात रहीं, ताकि हमारे बच्चों को ये पता चल सके कि ज़िंदगी में करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो और आपके वालदैन जो है ना बहुत कोई वो हों, लेकिन आप अपने पास मुश्किलात बहुत सारी रहीं। एक तो मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे लगता था कि जी मैं कोई अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा, मतलब ठीक है, इट वॉज़ अ गुड स्कूल, लेकिन जो बाकी जो बड़े नाम वाले स्कूल थे, तो काफ़ी अरसे तक मेरे जहन में ये डिसएडवांटेज था कि जी आई एम नॉट एज गुड इनफ एज अदर्स या दे हैव मोर स्किल्स इन मी। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला जो मुझे सामने आया, जो आजकल भी बच्चों को बड़ा सामने आ रहा है, वो ये कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। वो एक धारे में बह रहे हैं, जी अगर एक ने ACCA किया है तो 1500 ACCA करेंगे, उसके पीछे वो 1.5 साल जो लगी रहती है। तो बाद में जाके पता चलता है कि जी जॉब नहीं है या मार्केट में उन स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो बेचारे आगे पीछे भागते हैं। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिनका मतलब बैचलर किसी और चीज़ में है, इंटरेस्ट उनका किसी और चीज़ में था, और अगर उनको कहीं प्रॉपर काउंसलिंग मिल जाए तो वो बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा इशू था उस वक्त। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बड़ा चर्चा हुआ था, तो हमने भी कर ली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्कूल कॉलेज में। हालांकि मैं एक रात में एक मॉड्यूल ख़त्म करने वाला बंदा, लेकिन मुझे मैथ्स की सप्ली 3 दफ़ा में पास की मैंने। केमिस्ट्री मैंने मेरे ख्याल में 34-35 मार्क्स से पास किया। तो बहरहाल स्कूल कॉलेज किसी ना किसी तरह हमने निकाल लिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में शुरू में इंटरेस्ट पैदा हुआ, लेकिन खैर जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, जब मार्केट में उतरे, तो पता चला कि जी एक तो ये कि जॉब्स नहीं है, और जो स्किल रिक्वायर्ड थी सॉफ्टवेयर हाउसेस को, मेरे पास वो स्किल नहीं थी। मुझे डेफिनेशन याद थी, मुझे ये पता था कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं, लेकिन करना क्या होता है उसके साथ, सारी चीज़ों को आपस में मिला के एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है, क्या करना होता है, वो स्किल्स थी नहीं मेरे पास। तो एट दैट टाइम मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने वो उस वक्त मेडिकल रैप थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आओ मेरे साथ आ जाओ। मैं चला गया। जो मेरी पहली जॉब थी, वो उसमें मुझे गायनेकोलॉजिकल हार्मोन्स प्रमोट करने थे। तो यू कैन इमेजिन के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हार्मोन्स, मतलब कंप्लीट 180 का ट्रेंड था। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड डूइंग गुड। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है। मैं फिक्शन बहुत पढ़ी है मैंने, और मतलब आई वॉज अ वोरेशियस रीडर, आई स्टिल एम। तो मैंने वो MBBS की किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर डॉक्टर से बैठ के हमारी डिस्कशंस होने लगीं। फिर डॉक्टर्स हमसे कुछ कहते थे कि यार ये फलां केस है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो उसमें फिर एक्सेल करना शुरू कर दिया। फिर कुछ वजूहात आई जिसकी वजह से, वजूहात क्या, कुछ लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी वजह से अपनी लाइफ को रीथिंक करने का मौका मिला कि क्या कर रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ। तो उस वक्त फिर मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग से हट के फिर टीचिंग की तरफ आया। टीचिंग इज़ यू कैन कॉल इट माई फैमिली प्रोफेशन। मेरे दादा जो हैं वो आइडरू में पढ़ा भी चुके हैं, प्रिंसिपल भी थे, डेफ एंड म्यूट चिल्ड्रन, ब्लाइंड जो चिल्ड्रन हैं उनको पढ़ाते रहे हैं। उनको बाकायदा माशाल्लाह अवार्ड मिला है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कुरान को ब्रेल में ट्रांसलेट किया था। माई मदर हैज़ बीन अ टीचर, इज़ स्टिल अ टीचर। मेरे ख़ानदान में अक्सर लोग जो हैं या तो इस प्रोफेशन से जुड़े रह चुके हैं या अभी भी हैं जुड़े हुए, और
माशाल्लाह स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं काफ़ी, तो माई मदर ऑलवेज यूज़ टू से कि जी आप एंड अप यहीं करोगे, देख लेना तुम मेरी तरह हो। तो फाइनली आई जॉइन टीचिंग और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, जो मैंने देखा कि जी बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत भूखे हैं किसी ऐसे शख्स के लिए, इंतज़ार में बैठे हैं, जो पहली बात तो ये है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सके उन्हें, जो उन्हें वही घिसे पिटे बातें करने के बजाय उनसे रियल वर्ल्ड डिस्कशंस करें, उन्हें एज एन एडल्ट ट्रीट करें, फेयर ट्रीटमेंट दें उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यह है कि प्रीवियस स्कूल के बच्चे हैं, कभी उनका फ़ोन आता है कि सर आज संडे को नाश्ते पे आ जाएं हमारे साथ, न्यू कराची की तरफ बच्चे रहते हैं जो तो भाग भाग के घर आते हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट हैज़ बीन अ वेरी गुड जर्नी। और अब मैं साथ साथ फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में उतरा हुआ हूँ, तो अपनी स्किल भी बढ़ रही है और उसकी वजह से मार्केट पोजीशन का पता चल रहा है, बच्चों को गाइड करने का बेहतर मौका मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो, अगर मैं ये कहूँ कि बचपन में ऐसे कौन से उस्ताद थे या ऐसे कौन से वो मेंटर्स थे जिन्होंने आपकी इनिशियल स्टेजेस में आपकी मदद की, रहनुमाई की, और जैसे कि आपने कहा कि आपको एक अरसे तक ना ये लगा रहा था कि स्कूल हमारा अच्छा नहीं है, तो ऐसे कौन से उस्ताद थे जिसकी, और फिर आपने ये भी बताया कि मैं फिक्शन रीडर बहुत ज़्यादा हूँ, तो वो कौन से असातज़ा थे आपके जिन्होंने आपके अंदर ये बीज डाला कि पढ़ना चाहिए, और ना इसके लिए फिर आपने फिर मेडिकल की किताब भी, मेडिकल से कोई आपको वास्ता नहीं था लेकिन मेडिकल की किताबें भी पढ़ना शुरू की और दूसरी किताबें भी पढ़ना शुरू की। बहुत सारे लोग आए, अक्सर तो उनमें ख़ानदान में ही थे। मुझे याद है सालगिरह पे गिफ्ट सबको मिलते हैं, मेरा जो गिफ्ट जो मुझे याद है सबसे पहला नहीं, उससे पहले मिले होंगे बट, लेकिन मुझे जो सबसे पुराना गिफ्ट याद है वो मेरे चचा ने मुझे 12 क्लासिक बुक्स का सेट दिया था, एब्रिज्ड वर्जन हार्ड कवर में। और वहाँ से मतलब दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट गिफ्ट्स, वो मैंने उन किताबों को पढ़ पढ़ कर उनकी हालत ख़राब कर दी थी। उसके अलावा मेरी वालदा हैं, फिर दूसरे चचा हैं, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे इब्ने सफ़ी की चट लगाई, दूसरे चचा हैं उनको वो इंग्लिश माशाल्लाह बहुत पढ़ते थे, ताया हैं उन्होंने मुझे एलिस्टर मक्लीन, रॉबर्ट लुडलम, जैक हिगिंस, मैरी हिगिंस क्लार्क, मतलब उन्होंने इससे रोशनास कराया। और स्कूल में मेरे दो टीचर्स थी मेरी, मिसेस सज्जाद एक थी, अभी भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह सेहत दे बरकत दे, और मिस शाहजहाँ थी जिनका लास्ट ईयर इंतकाल हुआ। तो इन दो ने बहुत मतलब कॉन्फिडेंस दिया, कॉन्फिडेंस इन बीइंग माई सेल्फ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कभी मुझे बच्चे की तरह ट्रीट किया हो, दे ट्रीटेड मी लाइक एन एडल्ट, जो हर बंदा यही चाहता है। उन्होंने काउंसलिंग मिली उनसे, गाइडेंस बहुत मिली उनसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दो टीचर्स हैं अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली एंड माय मदर, जो अभी भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद हैं। करेंटली जो आप स्कूल टीचिंग कंटेंट राइटिंग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके मुतालिक भी बताइए कि आने वाले दिनों में या बच्चों को इस प्रोफेशन में आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों को ज़रा ये बताइएगा कि आप, ज़रूरी नहीं कि आपके पीछे पैसा हो, आपके पीछे बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो। पैसे को मैं बिल्कुल नहीं मानता, अगर पैसे की बात थी तो मैं मतलब मैंने तकरीबन 3 मरतबा अपनी फील्ड चेंज की है। अगर पैसा ज़रूरी होता तो मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे फिर से वापस जाके कहीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ता। लेकिन मैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रीडर हूँ, तो मैं बैतुल मुकर्रम जाता हूँ, वहाँ पे वो पुरानी किताबों के जो ठेले लगे हुए, तो मेरे ख्याल में द सेम एजुकेशन दैट पीपल गेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, मैं वो चंद 100 रुपयों में एजुकेशन लेके घर आ जाता हूँ। तो इसके अलावा जब से इंटरनेट आया है तब से तो मतलब ऑनलाइन कोर्सेज़
की भरमार लगी हुई है। ये और बात है कि हम जिस चीज़ का प्रॉपर इस्तेमाल करने के बजाय उसका फेसबुक पे हम बजाय ये देखेंगे जी इवेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, कौन किस में जाना चाहिए, हम उल्टे सीधे मीम्स शेयर कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे आपके पास दुनिया भरी हुई है, आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, आपको फ्रीलांसिंग करनी है, मतलब जो चीज़ है, आपको इंग्लिश सीखनी है आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे इंग्लिश टीचिंग चैनल्स भरे हुए हैं, लेकिन हम जो है वो फ़नी कैट वीडियोज़ से पूरा नहीं होता हमारा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप मतलब यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी वन नाउ, आप चाहें जो चाहें कर, और उसके लिए पैसा कोई शर्त नहीं है। उसके लिए एक मोबाइल चाहिए, एक 4G कनेक्शन चाहिए, जो अब पैकेजेस इतने सारे आ गए हैं कि कोई इशू ही नहीं है, स्मार्टफोन हर एक के हाथ में है। सर और मज़ीद बच्चों को बताइए कि ना कौन से, आप चूँकि कंटेंट राइटर भी हैं और आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं, तो बच्चे जो है ना उनके माइंड में सिर्फ है ना डॉक्टर इंजीनियर्स और ये सब, ये एक यही सारा मसला है कि क्योंकि माजरत के साथ मैंने देखा कि बहुत से लोग जो स्कूल से रिलेटेड जो जुड़े हुए हैं वो उनका माइंडसेट अभी भी वही 1950 वाला है, तो क्योंकि वो खुद उनको कुछ पता नहीं है इस बारे में तो वो आगे नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये कि बच्चों को पता होना चाहिए कि जी मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, ताकि वो उसमें फिर आगे निकलें। दूसरी चीज़ ये कि डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी लोगों से मैंने हेल्प मांगी है लोग तैयार बैठे हैं हेल्प करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, लेकिन हमारा क्या होता है कि हम शर्मिंदगी में आके या किसी वजह से कॉन्फिडेंस हमारा नहीं होता तो हम नहीं पूछ पाते। तो फाइंड आउट व्हाट योर इंटरेस्ट इज, ताकि उस चीज़ में काम करना बहुत आसान हो जाता है। रिसेंटली अभी मैंने पढ़ा, राइटर का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, बड़ा मशहूर राइटर है जिसने डेविड गुलायत के ऊपर, और अभी बिल्कुल जहन में नाम नहीं आ रहा, तो उसने लिखा कि जी उसने डिफरेंट जो अपने दौर के जो बड़े अजीम लोग गुजरे हैं उन्होंने उनकी लाइफ पे तहकीक की, जिसमें बिल गेट्स भी थे और आइंस्टाइन भी थे, तो उन्होंने एक अमाउंट ऑफ टाइम निकाला कि जी 10,000 hours आपको चाहिए किसी फील्ड को मास्टर करने में, क्योंकि इन सब लोगों ने 10,000 hours को एक उन्होंने एवरेज निकाल लिया। तो यू कैन नॉट स्पेंड 10,000 hours डूइंग समथिंग यू डोंट लाइक, जो कि हमारे साथ होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जी हम क्या कुछ स्किल्स हैं और स्किल को आगे एज अ करियर किस तरह यूज़ किया जाए। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी बचपन से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जी मैं अब उसी चीज़ को पैसा कमाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे आई कैन मेक एन एंटायर करियर आउट ऑफ इट, तो क्योंकि काउंसलिंग नहीं मिली थी। तो ये देखें कि जी इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट को आगे किस तरह कैपिटलाइज किया जा सकता है। हर स्किल की कोई कहीं ना कोई नीड है। इवन आपको इफ़ यू फॉर एग्जांपल योर फादर इज़ अ कारपेंटर, और आप कहते हैं कि जी मैं क्योंकि बचपन से बाप के साथ रहा हूँ तो मुझे इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना। यू कैन टेक दैट एंड यू कैन मेक यू नो ब्यूटीफुल फर्नीचर, यू कैन सेल इट ऑनलाइन, अब तो कुछ भी पॉसिबल है। आप यहाँ से बैठ के आपका जो बायर है वो अमेरिका में बैठा हो सकता है वहाँ से आपसे मंगवा ले। तो स्किल पे काम करें, डिग्री ठीक है डिग्री साथ में करें, लेकिन फाइंड आउट द स्किल दैट यू आर गुड एट और यू थिंक यू माइट बी गुड एट, क्योंकि जाहिर है स्कूल के टाइम में इतना हमें अंदाज़ा नहीं होता, बाद में चेंजेस भी आती हैं। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको ट्राई आउट ज़रूर करें। मेरे अभी भी मैं बच्चे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि जी तुम्हारी 9 मैट्रिक के बाद छुट्टी हो गई है तो कोई शॉर्ट कोर्स कर लो, कुछ करो, ताकि एटलीस्ट तुम्हें पता चले कि हाँ जी ये काम मैं कर सकता हूँ या ये काम मैं नहीं कर सकता। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जी किस काम में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फाइंड आउट योर इंटरेस्ट और फिर उसको रिसर्च करें। हमारे आजकल जो है ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसी लघुयात जो आ गई हैं, तो उसके वजह से पढ़ने का रुझान बहुत कम हो गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, मतलब अभी रिसेंटली मुझे पता चला मेडिकल टूरिज़्म एक फील्ड है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। अभी 3 दिन पहले मुझे पता चला कि इट्स अ फील्ड जिसमें टूरिस्ट जब आते हैं तो आप उनका उनकी देखभाल करते हैं, उनको जो मेडिसिन चाहिए,
अगर कोई इंजरी हो जाती है या कोई बीमार पड़ जाते हैं तो यू टेक केयर ऑफ देम, यू प्रोवाइड देम विद मेडिकल असिस्टेंस, और फिर उनकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं बैक होम आप उनसे वो क्लेम करते हैं। तो मतलब इस चीज़ के लिए आपको पढ़ना पड़ता है मुख्तलिफ़ चीज़ें जानने के लिए। तो वही टाइम जो फेसबुक पे गुजार रहे हैं, वही टाइम जो टिकटॉक पे उल्टी सीधी वीडियोज़ बनाने में गुजार रहे हैं, उसमें कोई बंदा ब्लॉग पढ़ ले, कोई आर्टिकल पढ़ ले, कोई ऑनलाइन न्यूज़, हर न्यूज़पेपर ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उससे अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपका माइंड एक्सपेंड होगा, ब्रॉडन होगा, आपका विजन ब्रॉडन होगा, प्लस आपको डिफरेंट जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये भी हो सकता है, तो क्यों ना मैं करूँ। चलिए ऐसा, बहुत शुक्रिया आपका आपका कीमती टाइम देने का और मुफीद मशवरे देने का स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ास तौर पर नई नई फील्ड मुतारिफ़ कराने का कि मेडिकल, मेडिकल आपने क्या बताया, मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी प्रीवियसली जिस कंपनी के साथ काम कर रहा था तो वहाँ पे एक इंटर पास बच्चा था जो बैचलर में अब शायद एडमिशन लिया होगा उसने, और उसने ऐप डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया था एंड ही वॉज मेकिंग 80,000 रुपीज़। वो मेरा आगे कहता है शायद मुझे अब आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास एक स्किल आ गई थी ना। और एक मेरे जानने वाले हैं माशाल्लाह आलिम है, आलिम का कोर्स करने के बाद अब तखस्सुस भी कर रहे हैं और साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, माशाल्लाह ही इज़ मेकिंग मोर देन 1.5 राइट नाउ, और बेहतरीन माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो ये जो अपकमिंग फील्ड्स हैं, क्योंकि अब ये डॉक्टर, इंजीनियर, PCCA, इनकी अब इतनी खपत हो गई है कि पीपल डोंट नीड देम एनीमोर, राइट। तो लेकिन जब पढ़ेंगे तो नई से नई चीज़ों से मुतारिफ होंगे, आपको पता चलेगा कि जी इस वक्त दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। इस वक्त सारा काम जो हो रहा है वो AI पे हो रहा है, रोबोटिक्स पे हो रहा है, हर जगह वर्चुअल असिस्टेंट्स बने हुए हैं, आप यहाँ बैठ के जर्मनी की भी बंदे का काम करके दे रहे हैं, स्पेन में आपका कोई बंदा बैठा है उसको टास्क करना है उसने आपको हैंड ओवर कर दिया। तो ये चीज़ें उस वक्त आती हैं जब आप अपने मोबाइल से बाहर निकलें, आप कुछ पढ़ें। फेसबुक पे लोग इतना टाइम गुजारते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने देखा कि जी फेसबुक पे जाके इवेंट्स चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हैं। फ्री में इतने इवेंट्स हैं कि मतलब आपकी सोच है, आप चाहें तो डेली किसी एक इवेंट में जा सकते हैं, लेकिन आप नहीं जाते, आप महीने में 2 इवेंट्स में जाएँ, लेकिन जाएँ ताकि आप नेटवर्किंग करें, वहाँ पर लोगों की बातें सुनें, उनकी बातों से कुछ असर लेके आएँ। तो लेकिन सर शरिया साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, कीमती टाइम का, और बच्चों को मुफीद मशवरे देने का, और कोशिश हमारी यही है कि किसी तरीके से बच्चों को ये बताया जा सके कि ज़रूरी नहीं कि उनकी उनके नामसाइद हालात की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ है करने के लिए, सिर्फ बात यह है कि वो पक्की लगन, जस्तजू और मेहनत, उसके नतीजे में आप कुछ भी काम कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि आपकी मुफीद मशवरे से स्टूडेंट को फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा, हमने भी बहुत कुछ सीखा, तो ये सीखने सिखाने का जो अमल है इसी तरीके से चलते रहना चाहिए। आपसे इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।